I am back with new topic of your maths book fractions. Fraction yani kisi thing ka part. Okay? What is fraction? A fraction is a part of whole. किसी पूरी चीज़ का जो जब हम पार्ट्स करते हैं तो उसे फ्रैक्शन बोलते हैं. इफ़ अ होल थिंग्स इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इच पार्ट इज अ फ्रैक्शन. यदि हम किसी थिंग्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका हर प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को जस्ट उसके नीचे लिखते हैं, उन्हें एक लाइन के थ्रू सेपरेट करते हैं. डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स को शो करता है. ओके, अब पार्ट ऑफ अ सिंगल थिंग. एक सिंगल थिंग, एक सर्कल लिया, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट किए हैं, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 एंड 3/4. यहाँ पर हमने एक बलून का ग्रुप लिया है जिसमें टोटल बलून 11 है, उसमें से 8 बलून को कलर कर दिया, तो इसका पार्ट क्या हो जाएगा? 8/11 फ्रैक्शन हो जाएगा. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसे लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/4, 7/4, 9/4. यहाँ पर देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम है, 4 है, है ना. अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जाम्पल 3/5, 4/6, 5/7, 9/2. यहाँ पे किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेस देन होता है, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो बड़ा होगा. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. ये प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल 8/7, 9/5, 14/10 एंड 7/3 मिक्स फ्रैक्शन. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को जब साथ में लिखा जाता है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं. इसे इस तरह लिखते हैं 1/2/3, 3/6/8. ओके, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. अब हम मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे. ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर है. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 से 19 को डिवाइड देंगे. अब 5 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर लेस देन 15 आता है. कितने टाइम्स आता है? हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 5 थ्री ज़ा 15, 9 माइनस 5 4, 1 माइनस 1 0. ओके, अब इसको चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहेगा. ठीक है, रिमाइंडर जो है उसे ऊपर लिख देंगे और जो क्वेश्चंट है उसे साइड में लिख देंगे. तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? मिक्स फ्रैक्शन में. ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है. ठीक है, अब 3 से मैं 17 को डिवाइड दूंगी. 3 के टेबल में लेस देन 17 नंबर आता है? 15, है ना. कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स. 3 5 ज़ा 15, 7 माइनस 5 2, 1 माइनस 1 0. अब ये इम्प्रॉपर है तो इसे लिखने के लिए हम डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं करेंगे, 3 एज इट इज आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा ऊपर चले जाएगा और क्वेश्चन हमारा साइड में रहेगा. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस लाइन की इधर साथ में ही आपको 5 को लिखना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना है. ओके, चलिए अब हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. तो उसके लिए देखिए डिनोमिनेटर सेम रहेगा. ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, देन जो न्यूमरेटर है उसको हम प्लस करेंगे. ठीक है, 4 2 8 प्लस 3/4, 8 + 3 = 11/4. ये हमारा आंसर है. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 5/7. डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 6 × 7 और 5 को न्यूमरेटर को प्लस करना है. तो 6 7 जा कितना होता है? 42.
प्लस 5 1, 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 42 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 47/7। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। बाय।